कलानाथो हृदयानंद वर्धनो सुख दौराधिका कृष्णो भजे हम कुंज गामिनो। सर हरि सिंह जी की पावन नगरी सागर में परम आदरणीय जो देश और विदेश में भारतीय सनातन संस्कृति की ध्वजा को फहरा रहे हैं, भारतीय सनातन धर्म का विधिवत प्रचार प्रसार कर रहे हैं, मानव जाति का जन्म जीवन और अंततः मृत्यु कैसे सार्थक हो सकती है, ऐसा ज्ञान कराने वाले बड़े ओजस्वी प्रवक्ता व्यास गादी पर विराजे हैं आदरणीय श्री श्री धीरेन्द्र कृष्ण जी महाराज। व्यास गादी को प्रणाम है। मंच पर ही विराजमान परम पवित्र संत महापुरुष श्री राम आश्रयदास जी केरवना मौनी महाराज, जगदीश स्वामी जी और आप सभी सौभाग्यशाली भक्तजनों, कहा गया है कि मनुष्य का शरीर मिला है तो ये तीन काम जरूर कर लेने चाहिए। और सबसे पहला कार्य है श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करना। पांडव वंश के गौरवशाली महाराजा धीराज परीक्षित जी ने भागवत कथा श्रवण करके मानव जाति को यही संदेश दिया कि कोई तपस्या करे या न करे, कोई विधिवत हवन और यज्ञ करे या न करे, बड़े बड़े तीर्थों की यात्रा करे या न करे, लेकिन कोई प्रेम और भाव से भगवान की कथाओं को श्रवण कर लेता है, इतने मात्र से ही उसका जीवन और जन्म सफल हो जाता है। बंधुओं, परम आदरणीय कथा व्यास बागेश्वर वाले महाराज श्री धीरेन्द्र जी आज संसार में जो ये कार्य कर रहे हैं, सनातन धर्म के लिए, मानव जाति के अभ्युत्थान के लिए, बंधुओं हम सभी को इनकी बातों को बड़े ध्यान से सुनकर अपने जीवन और जन्म को सफल करने का प्रयास करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं स्वागत करता हूं कथा के मुख्य यजमान भूपेंद्र जी, संदीप जी, कि जिन्होंने इतना महान यज्ञ इस मिनी वृंदावन में, इस सागर नगरी में किया। बहुत बहुत धन्यवाद शास्त्री श्री भगवत कृष्ण जी को कि इस महान यज्ञ में, इस ज्ञान यज्ञ में मुझे भी आने के लिए आमंत्रित किया। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का मंगल हो, जय जयकार हो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।